अभी बहुत सारा काम चल रहा है क्योंकि अभी 100 ईयर्स हो रहे हैं अब्दुल बहा के। सॉरी मैम, ये जो ये बहावला के जो बेटे हैं ना जी, उनको 100 साल हो रहे हैं उनकी। 100 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ, तो मैम ये कितनी तारीख को हो जाएंगे? अभी 28 नवंबर में। 28 नवंबर में तो हो सकता है कि 28 नवंबर में फिर अगर मैं हो सकता है कि आऊँ जिस दिन ये इनका 100 साल पूरे हो जाएंगे। बड़ा फंक्शन होने वाला है। बड़ा फंक्शन होएगा तो उस दिन मतलब लोकल अलाउड होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सही होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवेंचर रोड ट्रिप वकील DW। तो जैसे कि मेरी सीरीज चल रही है लेट्स गो दिल्ली, तो अभी हम फिर दोबारा, कल भी आए थे और हम आज भी आए लोटस टेम्पल, लेकिन हम कल अंदर नहीं आ पाए थे और आज हम अंदर आए हैं क्योंकि कल बंद था, संडे को क्लोज रहता है और अब मंडे को ओपन रहता है। तो यही इसी चीज़ के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे दिखलाने के लिए कि मंडे अब ओपन रहता है। तो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यही है कि मंडे ओपन रहता है, संडे क्लोज रहता है। बाकी जो भी अपडेट है हम आपको दिखलाते हैं पूरा का पूरा अंदर चल के। ये जो रास्ता है ये इधर से आपसे लोटस टेंपल से आने का वापसी है और यहाँ से लोटस टेंपल जाने का है क्योंकि यहाँ से लोटस टेंपल अंदर जाके आप बैठ सकते हैं और ये वापसी का रास्ता है। और ये फ्रंट का जो रास्ता है ये अभी बंद कर रखा है, ये उधर से शायद गलत जा रहे थे तो गार्ड साहब ने उनको बता दिया कि इधर से नहीं इधर से जाना है। तो अभी चलते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन आगे लेते हैं। तो क्राउड आज अच्छा है, लोगों को शायद पता था कि नहीं पता था, मुझे पता नहीं है, लेकिन क्राउड अच्छा है, लोग काफी हैं, बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो अभी हम आए इधर से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा उधर से आए हम वहाँ से, और ऐसे चल के इधर से आए हैं और निकलने का रास्ता है ना वहाँ से इधर से। तो जो भी अपडेट है वो देते हैं, बने रहिए मेरे साथ। भाई आप लोगों को पता था कि ये बंद रहता है मंडे को संडे को, कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी? नहीं पता था। तो इधर से जो है अभी जाने का रास्ता शायद बंद है, तो हम आगे चल के पता करते हैं और पता करते हैं इस बारे में कि अंदर जाने का भी ओपन है या बंद है, तो इस बारे में भी जानकारी देखते हैं। अगर अंदर होगा तो हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखलाएंगे, नहीं होगा तो हम आपको पूरा राउंड दिखला देंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और इसके अंदर लोग पैसे भी डाल देते हैं, अगर आपको नजर आ रहे होंगे तो इसमें कॉइन पड़े हुए हैं।
बहुत ज्यादा। इसके अंदर कॉइन भी डाल देते हैं, पता नहीं विश करते हैं क्या है, पता नहीं, इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। तो इधर से भी गेट बंद है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आप दिख ही रहा होगा भी यहाँ से, और अंदर अंदर कोई है कि नहीं है भी देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अंदर कोई है नहीं, और अंदर कोई नहीं है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। थोड़ी अगर यहाँ से ले रहे तो शेड भी पड़ रहा है, और अगर बिल्कुल इसको कर रहे तो अंदर का शेड ऐसा है कुछ है। तो अंदर कोई नहीं है शायद, अंदर अभी बंद कर रखा है जाने के लिए। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा मिला नहीं मेरे को जो कि इन्फॉर्मेशन दे सके संडे मंडे की। और यहाँ पे सूट वगैरह फोटो वगैरह सब यहाँ पे फोटोग्राफी अपनी कर रहे हैं। तो पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं पता है इस बारे में। बढ़िया सूट चल रहा भाई। आपको पता था कि ये मंडे को खुला रहता है, ये अब क्लोज रहता है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन थी? नहीं रहता है। अच्छा, तो आपको पता था कि मंडे को खुला रहता बंद रहता है, ये इन्फॉर्मेशन थी कोई? नहीं। ये पहले मंडे बंद रहता था, अब ये संडे बंद रहने लगा है। हाँ, एक्सक्यूज भैया एक बात पता करनी थी, ये आपको पता है कि मंडे या संडे को बंद रहता है इस बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। भैया ये संडे को बंद रहता था या मंडे को बंद रहता था, इस बात की इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं है। तो ये तो भैया ने तो हाथ जोड़ लिए, कह रहे पता ही नहीं इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्या चीज? तो यहाँ पे ये संगमरमर से सारा बना हुआ है, ये पत्थर है सारे संगमरमर से बने हुए हैं, पूरा लोटस टेम्पल यहाँ पे। और यहाँ पे फोटो शूट इस टाइप से कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आते घूमने के लिए तो यहाँ पे खड़े होने के बाद यहाँ पे आप फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। तो मैं एक दो लव का फोटो खींच देता हूँ, क्योंकि वो कह रहा है फोटो खींचने के लिए, तो उसका एक दो फोटो खींच लेता हूँ, फिर मैं आपको बाद में और आगे अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो अगर आपको ये वायर दिख रही हो ना, जैसे कि वायर है, तो ये मतलब ये है ना, वायर के अंदर है ना, आप गार्डन में नहीं जा सकते, इस जगह पे घूमना अलाउड नहीं है, पूरी की पूरी वायर है। अगर आप अंदर जाते हो अदरवाइज तो वहाँ से गार्ड सीटी मारेगा और आपको बाहर निकाल देगा। तो आप अंदर पार्क में मतलब बैठ नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो जो घूमने का प्रोसीजर है वहाँ घूम सकते हो आप, सीढ़ी वगैरह बैठ सकते हो और अपना फोटो शूट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सब के सब कर रहे हैं। और सबसे मेन जो है अभी लोटस टेम्पल पे जो है यहाँ काम चल रहा है, एक ऊपर कोई है जो कि काम कर रहा है, अगर जूम करके दिखला सकता हूँ तो दिखलाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे सबसे टॉप पे है ना, यहाँ पे काम चल रहा है अभी ऊपर, सबसे ऊपर अगर दिख रहा होगा तो। अब जूम में वापस कर लेता हूँ। इसके नीचे भी जाने का एक्चुअली रास्ता है, लेकिन पता नहीं वो भी शायद बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं है। और जैसे कि मैं आपको दिखला दूँ कि ये नीचे जाने के लिए भी था, लेकिन आज कोई नीचे नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अपने नीचे जा सकते थे, लेकिन यहाँ सब बंद कर रखा है अभी फिलहाल। तो इसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद मेरे ख्याल से अभी तक कोरोना के चक्कर में जो शायद बंद था, तो इसीलिए अभी भी बंद है, पूरा प्रॉपर ये खुला नहीं है अभी। अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताए। तो नज़ारा तो पूरा का पूरा बहुत अच्छा आ रहा है, क्राउड भी बहुत अच्छा है। से कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती तो ऊपर से ले लेते हैं थोड़ी सी। और यहाँ पे फोटो शूट ही चल रहा है, ये सारे के सारे भैया फोटो शूट ही कर रहे हैं। थोड़ा चलते हैं वहाँ पे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो पता कर लेते हैं एक्चुअली।
तो यहाँ पे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं, अगर पता लगता है तो अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन डेस्क लिखा हुआ है, अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जानकारी के लिए सूचना उपलब्ध है। मैम आप है, मैम देख जानकारी चाहिए छोटी सी। पहले मैम मैं यूट्यूब से हूँ, तो हमारे ना जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये पता बताना है कि ये कब खुलता है कब बंद होता है। इस बार में 8 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है, विंटर टाइम ये है। ठीक है, 8 से 5। अच्छा मैम, मैं कल भी आया था एक्चुअली यहाँ पे, तो कल ये बंद था। तो मैम पहले मंडे बंद था ये। हाँ। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि लोगों को पता नहीं है। मैंने भी कल ऑनलाइन पे मैंने मैम गूगल पे भी सर्च करा था, मतलब आने से पहले, मतलब मैंने सैटरडे को देखा था, तो सैटरडे को उस पे गूगल पे मेरे को मिला नहीं। समर में मंडे बंद होता है। अच्छा, विंटर में संडे बंद होता है। अच्छा, तो अभी संडे बंद चल रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आपको कोई पैम्पलेट चाहिए देखने के लिए? किस टाइप का मैम? हिंदी में अबाउट बहाई फेथ, बहाई का। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के लिए प्रार्थनाएं हैं। तो मैम आज ये लॉक क्यों है प्रार्थना के लिए? टेम्पल भी अभी 2 दिन पहले खुला ना, तो गवर्नमेंट के हिसाब से हम कोविड के हिसाब से बंद किया है। होपफुली नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद गवर्नमेंट बोलेगी तो हमको। अच्छा, तो मैम ये कब तक खुल सकता है? अभी इतना कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक हफ्ता जस्ट होप करें कि गवर्नमेंट ओके बोलेगा, हमको वो फॉलो करना पड़ता है। तो अभी गवर्नमेंट का जब ऊपर से आएंगे ऑर्डर जब ही खुलेगा, अभी आपकी तरफ से कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे को मेरा फोटो आ रहा है। हाँ जी, तो ये मैम ने हमारे को जानकारी के लिए ये भी दिया है, इसके अंदर प्रार्थना भी है और जो है भाई मंदिर तो धर्म के बारे में है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं इसका एक है ना अच्छे से फोटो लेकर के और अपना स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप पढ़ भी लेना इसको। तो मैम आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए भी, क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि काफी जने कल आए थे और गेट से काफी बहुत लोग गए थे। कल की मेरी वीडियो भी है, उसमें मैंने डाल रखी है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है एडवेंचर रोड ट्रिप वकील DW, तो इसीलिए मैं आज दूसरे दिन आया हूँ। रोड ट्रिप वकील DW, तो इस नाम से। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, आ जाओ बेटा। तो मैम ये नीचे का भी उसी टाइम खुलेगा जब ये ऊपर का खुल जाएगा पूरा ओपन? नीचे तो ये है ना बेसमेंट जी, पूरा अभी तो बेसमेंट तो आई थिंक वो खुलेगा। ये नीचे खुलेगा पहले कि साथ में सारा खुलेगा? साथ में खुलेगा, क्योंकि का थोड़ा टेंशन है, क्योंकि एक साथ इतने सारे कैपेसिटी। अच्छा, में लोगों को अंदर लेना कितना सेफ है वो पता है ना। अच्छा, ये तो नीचे तो चलता है, वो चलेगा। अच्छा, ये कैपेसिटी भी पूछना पड़ेगा वो कैसे, मतलब तो एक साथ में 5,000 लोग अंदर जाएंगे तो हाउ सेफ है, लोग फॉलो करेंगे नहीं, मास्क लगाते नहीं, अभी बोल बोल के थक। हाँ जी हाँ जी, जूते रखते हैं तो उधर। मैम पहले वो जूते वाला तो था यहाँ पे सिस्टम, आपने जूता पहना, आपके हाथ उसके हाथ। नहीं मैंने सबसे पहले मैंने वहीं पे जाके देखा, लेकिन वहाँ पे भी शायद काम चल रहा है नीचे, मैंने देखा क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है, क्योंकि अभी 100 ईयर्स हो रहे हैं अब्दुल केस। सॉरी मैम, ये जो ये बहावला के जो बेटे हैं ना जी, उनको 100 साल हो रहे हैं, उनकी 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो मैम कितनी तारीख को जाएंगे? अभी 28 नवम्बर में। 28 नवम्बर में, तो हो सकता है कि 28 नवंबर में फिर अगर मैं हो सकता है कि आऊँ जिस दिन ये इनका 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो बड़ा फंक्शन होने वाला है। बड़ा फंक्शन होएगा, तो उस दिन मतलब लोकल अलाउड होगा? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ठीक है। नहीं ऐसा होता है कि फंक्शन वगैरह के टाइम पे हो सकता है कि सिर्फ VIP वगैरह है अपने पर्सनल, तो ऐसा नहीं है, सब आ सकता है, कहीं से कोई भी आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है मैम, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। हम लोग वॉलंटियर करने को आए ना, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप बॉम्बे से आ रहे हैं? सब जगह से आते हैं, इंटरनेशनली आते हैं, इंडिया से आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया, वेलकम मैम। मैं भी सेलिब्रेट कर रही हूं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
और तो फ्रेंड्स हमने पूरा का पूरा यहाँ का हमने पूरा ऊपर घूम लिया है और अभी पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन भी ले लिया है मैम, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दी है मैम ने, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैम ने जो भी दी है उन्होंने मेरे को दे दी और मैंने आपको दे दी है। तो अभी पूरा का पूरा नीचे का मतलब पूरी तरीके से ये है ओपन नहीं हुआ है और गवर्नमेंट ने अभी अंदर प्रार्थना के लिए गेट ओपन नहीं करे हैं। तो अब ये पता नहीं है किस दिन गेट ओपन होगा, लेकिन ये 28 नवंबर को इसका जो है जो उनके कोई जैसे मैम ने बताया कि उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो हो सकता है कि 28 नवंबर को मैं भी एक और आऊं और आने के बाद फिर वीडियो आपको दूं। तो कंफर्म नहीं है, जैसे भी होगा वैसे आपको मिल ही जाएगी, आपको वीडियो वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल ही जाना है। तो बने रहिए मेरे साथ एडवेंचर रोड ट्रिप वकीली डब्लू। तो सबसे तो मैं मेरे को जो है ना अच्छा लगा कि मैंने ना जो ब्लॉग बनाया है ना लेट्स गो दिल्ली, ये बहुत अच्छा करा, क्योंकि इसके ना लेट्स गो दिल्ली के अंदर ना हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और किसी भी भाई से मिल रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपसे ही मिल लूँ कहीं पे। सबसे बड़ी बात यही है कि हो सकता है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जो कि लोगों को पता लगे। तो भाई चैनल को लाइक करें और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरा वीडियो शेयर करें। तो अभी तो इन्फॉर्मेशन यही है, भाई भी देख रहे हैं, भाई लाइक करो, लाइक लाइक भाई बोल दो अच्छा है, लेट्स गो दिल्ली टेस्ट अच्छा है, बोल दो लेट्स गो दिल्ली, दिल्ली बोल दो, दिल्ली बोल दो, दिल्ली टूरिस्ट बेस्ट प्लेस है। तो अभी लेट्स गो भाई से बोला नहीं गया, लेट्स गो दिल्ली तो दिल्ली बोल दिया, तो भाई इसीलिए सिर्फ आप भाई है ना ही बोल दे, लाइक करना तो लाइक जरूर करना। तो अभी यहाँ का शूट हमारा पूरा हो चुका है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ से हमारा जाने का है और यहाँ से हमारा आने का है, तो अब हम चल दिए और गार्ड साहब ने मना कर दिया है वीडियो के लिए, अब चल रहे हैं। तो भाई ने भी हमारी इन्फॉर्मेशन ले ली है इसने, अब आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखलाते हैं, जैसे भी अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अभी यहाँ पे सबसे मेन चीज जो थी ना कि यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह सब उतार के ना अंदर जाने के लिए अलाउड था, लेकिन अभी है ना यहाँ पे शायद काम चल रहा है जिसके कारण अभी सब मतलब जूते चप्पल पहन के भी चले जाते हैं अंदर, नहीं तो जूते चप्पल बाहर ही उतार के जाना पड़ता था। तो अभी काम चलने की वजह से ये सब चीज अभी ऐसे ही है। तो पूरा भी मैंने अभी ऊपर जो लोटस टेम्पल मैंने अभी आपको दिखलाया था जूम करके, तो वो अभी नीचे उतरे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया आप काम कब से चालू हुआ है, तो वो कह रहे थे आज से ही हमने काम चालू कराया, तो वो आज से ही काम कर रहे हैं जो ऊपर चढ़ के कर रहे थे। अब पता नहीं मुझे क्या प्रॉपर कि वो कर क्या रहे थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो काम कर रहे थे लोटस टेम्पल। आजा भाई, तो नज़ारा पीछे का ये कुछ ऐसा है और मौसम तो आज बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्यों भाई मौसम तो बढ़िया है ना, फोटो वोटो अच्छा, क्योंकि घूम धूप वगैरह कुछ नहीं है। तो ये देख लीजिए आप भी, मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कूल है मौसम। तो ये देखिए पहले तो एकदम शेड है ना, एकदम से अचानक अगर फोटो ले या वीडियो लेना तो वो वाइट हो जाता है पीछे से, फोन में प्रॉपर कैमरा नहीं है। और पीछे का वेदर जो है ना बादलों का बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है, एकदम एंजॉय करने वाला है। और पूरा का पूरा मौसम मतलब ऐसा नहीं है कि प्यास भी लगे कुछ नहीं, इतना अच्छा क्राउड रखा है इस टाइम पे, बहुत बढ़िया। तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देते देते हम बाहर भी पहुंच जाएंगे। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक और बात थी कि हम कल आए थे अमीश के साथ, तो आज अमीश का जो था वो एग्जाम चल रहा है, तो आज अमीश आया नहीं है, तो आज मेरा बेटा आया लव, तो हेलो बोल दो। हेलो गाइस। तो अब ये और हमने पूरी जो हमने स्टार्ट करा था वो हमने अंदर से ही लोटस टेम्पल के अंदर चालू कर दिया अपना ब्लॉग, बाहर से नहीं करा, क्योंकि कल तो हमने आपको दिखलाया जाता बाहर से, तो इसीलिए हमने सोचा अंदर से ही कर देते हैं। और अंदर से थोड़ा सा जैसे भी हुआ हमने आपको दिखला दिया है, बाकी अंदर से बाहर निकलने का हम आपको पूरा दिखला देंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको देनी थी वो मैंने दे दी है। तो भैया शायद ये वेट कर रहे हैं, किसी का फोन में बात कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा आपको मिल गया कि सबसे मेन चीज है कि ये अभी ये मंडे बंद नहीं है, संडे बंद है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि अभी संडे बंद है, संडे नहीं आना है, बस मंडे आना है आपको, जैसे कि अभी मैडम ने ऊपर बता ही दिया था मंडे ओपन है। और मंडे में आप देख ही लो कितना क्राउड है, क्राउड बहुत अच्छा है। फोटो शूट चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग में आते के साथ ही ना जो मतलब पहला पॉइंट जो आता है ना वहाँ पे सबसे पहले लोग आ गए ना अपना शूट करते हैं, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह मतलब एंजॉय करते हैं इस तरीके से।
जैसे कि मैं आपको दिखलाता हूँ, तो आने का रास्ता जो है फ्रेंड का जो कल मेरी वीडियो थी इस जगह से थी जो मैंने बाहर से लिया था क्योंकि मैं अंदर नहीं आ पाया था। और यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यहीं से आकर सबसे पहले कोई भी आता तो बहुत अच्छी डायरेक्शन है देख ली लोटस टेम्पल की, मतलब एकदम क्लियर नजर आता है। तो यहाँ से वीडियो वगैरह और फोटो वगैरह बहुत ही अच्छी ली जाती है, मतलब एकदम क्लियर आता है। देख लीजिए आप भी कितना शानदार है, जबरदस्त। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर मेन गेट तक आपको दिखलाते हैं, क्योंकि शुरू हमारे को वहां से करना था लेकिन हमने शुरू बीच में से करा। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि संडे क्लोज रहता है, मंडे खुला रहता है, तो ये याद रखना, संडे क्लोज रहता है मंडे बंद रहता है। मंडे खुला रहता है, सॉरी संडे क्लोज रहता है, ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना बस। और अगर ज्यादा अगर जैसे कि आप गर्मी वगैरह में आते हैं ना, तो आप एक बार ना सर्च मार लेना गूगल पे भी, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और मेरा जो कल वाला ब्लॉग था जो मैंने उसके अंदर डाल भी रखा है कि संडे क्लोज, तो उसके अंदर संडे क्लोज में आप देख लेना, उसमें एक वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट पे आप जाकर के उसमें क्लिक करके आप देख भी सकते हैं और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको लोटस टेम्पल की। तो ये पूरा क्राउड तो बहुत ही अच्छा है जैसे कि आप देख रहे हो, ये पेड़ भी बहुत ही अच्छे सुहाने लग रहे हैं, मतलब मौसम तो बहुत अच्छा क्राउड वाला है और दिल तो खुश हो रहा है इस टाइम पे आने के बाद सबका, बहुत ही जबरदस्त है। बस थोड़ा सा रह गया हमारा जहाँ से हम कल आए थे, तो कल हम आज हम गेट पे ही एंड कर देंगे वीडियो, क्योंकि कल हमने आपको दिखलाई दिया था हम कहाँ से आए और कैसे गए, तो पूरा रूट वही होगा जैसे था कल का, तो इसीलिए हमने वो चीज डाली नहीं है, तो सिर्फ लोटस टेम्पल की डाल दी है। तो अब हम यहाँ से एक बार थोड़ा सा आपको क्राउड और दिखलाए थे कि किस तरह से है। तो आज जब इतना क्राउड है तो सोचो अगर कल कितने क्राउड होगा, तो कितने लोग यहाँ से वापस गए होंगे लोटस टेम्पल से जिनको पता नहीं था कि संडे क्लोज रहता है, तो पब्लिक काफी होगी, मतलब जब आज इतनी पब्लिक है तो कल कितनी पब्लिक रही होगी। तो संडे को तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही पब्लिक रहती है, तो पूरा क्राउड जितना भी पब्लिक का था वो सारा का सारा बेकार हो गया। लेकिन आज जो मंडे वाले हैं वो जो आ रहे हैं उनमें से जैसे कि मैंने आपको दिखलाया भी बात भी करी, तो काफी लोगों को तो यही नहीं पता है कि किस दिन बंद रहता है लोटस टेम्पल और किस दिन खुला रहता है। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं मेन गेट पे और जैसे भी है अब कोई नई और ब्लॉग के साथ आपको मिलते हैं और नया कुछ दिखलाते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ एडवेंचर रोड ट्रिप वकील DW। तो अब हम गेट पे पहुंच ही चुके हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे जैसे कि बार बार कह रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, मतलब है ना पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ ना, तो दिल नहीं कर रहा कि एंड कर दूँ ब्लॉग को, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो कल यहाँ से वो मैडम इन्फॉर्मेशन दे रही थी, यहाँ पे खड़ी हुई थी और मैं बाहर था, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मेरे को कि बंद रहता है संडे को। तो लो भाई हम पूरे प्रॉपर हम गेट पे आ गए बाहर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, बाय बाय।